किसी को ठेस पहुंचा तो मैं बिल्कुल हृदय से बहुत बहुत प्रणाम करके माफी मांगता हूँ सबसे, और सतियों के सामने से मैं बिल्कुल पूरा ध्यान रखूंगा माता जी मेरे और हमेशा इनका मान सम्मान बढ़ा रहे और मेरे से हमेशा मान सम्मान रहे और मैं इनसे बहुत हाथ जोड़ के बारम्बार हृदय से माफी। सभी भाइयों को जयदेव, जय माँ भवानी और जय शाता धर्म। तो भाइयों, गोपाल नानी ने क्षत्रिय समाज से माफी मांग ली है और ये भाजपा का दूसरा सावरकर बनकर सामने आ चुका है। तो भाइयों, बात दरअसल ये है कि हमने पहले भी वीडियो बनाई थी कि निर्मला कंवर राठौड़, जिसको इन्होंने अपने होटल पर बुलाया था भाजपा वालों ने, और जब वो मीडिया को डिबेट कर रही थी तो उन्होंने विरोध किया बीजेपी आरएसएस का पुरुषोत्तम रूपाला को लेकर, जिसने क्षत्रिय समाज का अपमान किया, क्षत्रिय समाज की महिलाओं पर गलत टिप्पणी की। ऐसे में इसने क्या किया था कि उनको बसलुकी की और उनको बोला था जी आपका निजी होटल नहीं है, जी हमारा निजी होटल है, आप जहाँ से चले जाओ, उनके साथ बसलुकी की। तो उसके बाद क्षत्रिय समाज द्वारा भारी विरोध किया गया। बस लुकी भी कहाँ की, इसने क्षत्रिय समाज के ही शत्रानी के नाम पर होटल बना रखा है और उससे पैसे कमा रहा है, और फिर उधर ही बस लुकी की माँ पद्मनी के नाम से होटल है और उसी कुल की शत्रानियों का जो अपमान कर रहा था। उसके बाद जैसे ही क्षत्रिय समाज भड़का तो इसकी टांगे लगी कांपने और ये आ गया जौहर स्मृति स्थल पर। वहाँ पर उसने, आप सभी देख सकते हो कि कैसे झुककर माफ़ी मांगी। इतना ही नहीं, इसने होटल का नाम चेंज करने के लिए भी बोल दिया है और होटल का नाम वो चेंज भी होना चाहिए। जिस माता के नाम पर तुम होटल चला रहे हो, व्यवसाय चला रहे हो, उसी कुल की क्षत्रानियों का अपमान करने का काम कर रहे हो। तो सभी भाइयों से हम यही चाहेंगे कि कोई भी क्षत्रिय समाज के खिलाफ ऐसे ही टिप्पणी करता है तो उसको जरूर सभी मिलकर उठाएं और ऐसे ही माफिया मंगवाने का काम करें, ताकि इनको पता लग सके कि क्षत्रिय समाज पर गलत टिप्पणी का परिणाम क्या होता है। चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही सिर्फ अपनी कौम के लिए आवाज़ उठाते रहें, जो कि मेरे लिए सबसे पहले अपनी कौम है। तो आप हमें नीचे दिए हुए जो QR कोड है, आप सभी स्कैन करके आप सभी इसको हमें जितनी सपोर्ट कर सकते हैं, किसी से 20, 50, 100, 500 जितना भी आपसे होता है, और हम ऐसे ही क्षत्रिय इतिहास पर वीडियो बनाते रहें। आप इस QR कोड के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी भाइयों को जयदेव, जय माँ भवानी और जय शाता।